संख्या छूट गए, मेरी संख्या छूट गए। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। नमस्कार, मेरे सारे परिवार वालों को जो यहाँ आए हैं, जो इतने दिन से, जो 17 महीने से मेरी बहनें वहां खड़ी हैं, सब लोग कष्ट उठा रहे थे, आप सबको नमस्कार, आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबका आजाद मनीष सिसोदिया का नमस्कार। आप सबने 17 महीने मैंने कष्ट उठाया, आप सबने कष्ट उठाया। मुझे पता है कि पूरे देश में मुझसे प्यार करने वाले इतने सारे लोग थे, पिछले 17 महीने में कई गुना बढ़ गए, और पिछले 17 महीने में मैं जेल में नहीं रहा। आप सब भावनात्मक रूप से एक एक पल, दिल्ली का एक एक आदमी, देश का एक एक आदमी, और खासतौर से दिल्ली के स्कूलों का एक एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। 17 महीने में उसके बारे में सोचता रहा मैं। आज शांति मांगने में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के ऊपर एक तमाचा मारा है।
आज मेरा रोम रोम, जब से यह ऑर्डर आया है सुबह से मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति रेडी हो रहा है। एक एक पल में समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त तो मैंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगा। एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, तो संविधान बचाएगा। आज मैं बाबा साहब का और इस देश के संविधान के एक एक शब्द का ऋणी हूं और अब मेरा पूरा जीवन बाबा साहब का और संविधान का ऋणी है। आज इस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे बोल मिली है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आए हैं। जय उनके सामने खूब टांगे अरविंद केजरीवाल जी के लिए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। यह संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के एक एक बच्चे के लिए शिक्षा पर काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। मैं और बाकी बात में हम बात करेंगे। बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए अरविंद जी तक भी पहुंचे और तानाशाह तक भी पहुंचे कि कह कह के जेल में भले ही डाल लोगे लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से काम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मिलते हैं सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों का जिन्होंने इस पूरे 17 महीनों में सड़क की लड़ाई लड़ी, कानून की लड़ाई लड़ी, एक एक आदमी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और विशेष रूप से मेरे लिए तो ये भगवान समान है अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिन्होंने इस कानून
आता ही बार आता ही हाँ।